गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जब हम नर्सरी से प्लांट्स लेते हैं तो ऐसे पॉट्स में लगे हुए वो आते हैं। हम प्लांट्स को रिपोर्ट कर लेते हैं लेकिन ये पॉट्स कई बार ऐसे ही पड़े रह जाते हैं। तो ऐसे ही वेस्ट पड़े हुए पॉट्स को आज हम बनाएंगे बिल्कुल नया। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। ये वाला वो पेंट है जो मैं हमेशा अपने पॉट्स पर यूज़ करती हूँ। तो नेरोलैक का सिंथेटिक एनिमल पेंट है ये, इसी को मैं यूज़ करूँगी आज बेस कोट के लिए। और जो भी हम डिज़ाइंस बनाएंगे, ऊपर पैटर्न बनाएंगे, उनको हम करेंगे एक्रेलिक पेंट से पेंट। तो चलिए पहले बेस कोट कर लेते हैं अपने सारे ही पॉट्स पर। यहाँ पे मैंने लिया है ग्रीन कलर। आप अपनी पसंद से जो आपको पसंद हो वो पेंट, वो कलर आप यूज़ कर सकते हैं। एनिमल पेंट काफ़ी अच्छे होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और प्लास्टिक पर इनकी जो ग्रिप है वो भी काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी लंबे टाइम तक ये चल जाते हैं। तो ये वाला पॉट वाइट है तो मैं इसे वाइट ही कर रही हूँ। काफ़ी छोटा सा है, 3-4 इंच का पॉट है, काफ़ी ब्यूटीफुल भी है। इसको मैं करूँगी येलो। तो चलिए इन्हें पेंट करते हैं और पेंट करने के बाद इन्हें अच्छे से करेंगे ड्राई और उसके बाद करेंगे अगला काम। पॉट ड्राई होकर रेडी हो गए हैं बिल्कुल, बहुत ही ब्यूटीफुल सी शाइन है। अब हम यहाँ पर कुछ रैंडम पैटर्न बनाएंगे डिफरेंट शेप और डिफरेंट साइज़ के। आप चाहे तो मेरे जैसे भी बना सकते हैं या अपने इमेजिनेशन से अपने तरीके से किसी भी तरह की शेप बना सकते हैं। जैसे मैं बना रही हूँ आप ऐसे भी कॉपी कर सकते हैं बिल्कुल। कलर भी आप अपनी पसंद से कोई भी ले सकते हैं। तो जो मुझे कलर समझ में आए मैंने वो यहाँ पर ले लिए हैं। ये वाले पेंट एक्रेलिक पेंट है फ्रेंड्स, ये वाले ऑयल पेंट नहीं है। कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ बीच में, कुछ ऊपर, कुछ नीचे, इस करके मुझे जो जो समझ आए मैंने वहाँ वहाँ पर पैटर्न ड्रॉ कर लिए हैं। ये देखिए, तो जल्दी से इसको कर लेते हैं पहले ड्रॉ और फिर इसे करेंगे ड्राई। ड्राई होने में इसको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, एक्रेलिक पेंट है, 5-7 मिनट में ही ये ड्राई हो जाएंगे। कलर कॉम्बिनेशन आप अपनी पसंद से कोई भी ले लें जो आपको पसंद हो। लाइट कलर करना चाहते हैं तो लाइट ले लें, डार्क कलर करना चाहते हैं तो डार्क कलर चूज़ कर लें। तो ये लीजिए, ये हो गया है रेडी। इसके बाद इसमें एक छोटा सा और काम है और फिर पॉट में बिल्कुल एक नई सी जान आ जाएगी। आप चाहे तो इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ऐसे भी ये काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। तो मैंने इसे ड्राई कर लिया है, पूरा पेंट होने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है। अब यहाँ पे लिया है मैंने मोटा वाला परमानेंट मार्कर। आप चाहे तो पेंट ब्रश से भी कर सकते हैं और अगर आप जल्दी करना चाहते हैं और या आपकी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है या पेंट चला सकते हैं तो फिर आप ऐसा वाला परमानेंट मार्कर यूज़ कर लें और फिर उसी से ये पैटर्न बना लें। आप लीव के पैटर्न बना सकते हैं या फिर कोई भी जो आपको पसंद हो वो पैटर्न बना सकते हैं। इसे तो सूखने में टाइम लगेगा ही नहीं क्योंकि परमानेंट मार्कर तो हम करते रहते हैं, वो हाथों हाथ ड्राई होता रहता है। और फिर ये हमेशा के लिए बिल्कुल, आप इसे पानी में भी धोएंगे तो परमानेंट मार्कर नहीं हटेगा। इसके बाद थोड़ा सा काम और बाकी है इसमें, मैं इसमें करूँगी कुछ आउटलाइन। आउटलाइन के बिना कुछ अधूरा सा लग रहा था तो फिर मैंने इसके सोचा कि क्यों ना मैं इसमें आउटलाइन बना दूँ। और आउटलाइन बनने के बाद काफ़ी ब्यूटीफुल सही लग रहा था। तो देखिए, ये वाला पॉट रेडी हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वाला पॉट जो है वो हम बनाएंगे एक पैंडा। पैंडा बहुत ब्यूटीफुल से और क्यूट से लगते हैं। आप इन्हें पॉट पे लगाइए, पॉट पे बनाइए सॉरी, या आप किसी ड्राइंग पे बनाइए तो बहुत ब्यूटीफुल से लगते हैं। मेरी ड्राइंग कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है तो मैंने बस ऐसे ही जितना मुझे आता था मैंने उतना यहाँ पे बना लिया है। और गलती मैंने ये की कि मैंने इसमें यूज़ किया ये पेंट ब्रश। अगर मैं स्केच से करती, परमानेंट मार्कर से करती तो ज़्यादा अच्छा होता। तो कोई नहीं, गलतियाँ होती रहती हैं। तो इसे कलर से जो मेरा ब्रश था थोड़ा मोटा भी था और इसके थोड़े से जो ब्रिसल्स हैं वो फैल गए हैं, इस वजह से मुझे कहीं कहीं परेशानी हुई। फिर मैंने इसी से कर दिया। अगर पतली पतली जगहें हैं तो आप पतले ब्रश का यूज़ करें या फिर जैसे पिछले वाले DIY में परमानेंट मार्कर यूज़ किया था तो उसे भी यूज़ कर सकते हैं।
तो बस ये भी बनके हो गया है रेडी, और ये भी बहुत क्यूट और ब्यूटीफुल लग रहा है। अब इसकी आँखों पे मैं स्केच से ही यूज़ कर रही हूँ, जो हमारा परमानेंट मार्कर है इस तरीके से। इसके दूसरी तरफ भी हम बनाएंगे ताकि हमारा पॉट अगर हम पिछली तरफ से भी रखें तो भी एक अच्छा सा डिज़ाइन दिखे। तो यहाँ पर भी हम एक क्यूट सा पैंडा ही बनाने वाले हैं। आप पैंडा की इमेजेस ऑनलाइन या फिर किसी वीडियो से ले सकते हैं, या फिर बच्चों की बुक होती है उसमें भी पैंडा कई बार बने हुए होते हैं। तो देखिए मैं इस तरीके से बना रही हूँ जैसे एक पैंडा बैठा हुआ है। बस इसके ईयर बनाने हैं और इसकी आंखें बनानी है बस। ये देखिए, इसमें मैंने ब्रश यूज़ नहीं किया है, इसमें सिर्फ मैंने यूज़ किया है परमानेंट मार्कर। तो ये वाला पैंडा भी बनके हो गया है रेडी। साथ में एक हार्ट बनाते हैं जिसमें करेंगे हम रेड कलर। अब रेड मेरे पास मार्कर नहीं था तो फिर मुझे यहाँ पे ब्रश यूज़ करना पड़ा। तो ये वाला पॉट भी हमारा बनके हो गया है रेडी। ये देखिए कितना क्यूट लग रहा है, कम एफर्ट में और बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक छोटा सा पॉट हो गया है रेडी। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसको भी हम बहुत इजी और सिंपल तरीके से बनाने वाले हैं। एक प्लांट की लीफ ली है मैंने, उस पर लगाया है एक्रेलिक पेंट। अच्छे से लगाना है आपको और बस इसको अपने पॉट के ऊपर इस तरीके से लगाकर थोड़ा सा प्रेस करना है और फिर हटा देना है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा पैटर्न ड्रॉ हो गया है और ऐसा ही आपको सारे पॉट के ऊपर करना है। कहीं कहीं पर रैंडम आपको पत्ती को इस तरीके से स्टिक करते जाना है। एक बार पेंट लगाने के बाद दोबारा पहले आप 3-4 पत्तियाँ अच्छे से चिपका लें, उसके बाद इसको फिर करें तो अच्छा और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल सा लुक इसका आता है। इसके बाद मैंने ली है एक छोटी पत्ती, साइज़ में छोटी है इससे, और इसके ऊपर मैं लगाऊंगी येलो पेंट। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इस वाले जो छोटी लीफ वाला पैटर्न है उसको बनाएं या फिर ऐसे ही छोड़ दें, पर मैं सोचती हूँ थोड़ा सा और अच्छा सा लुक आएगा इसका, तो मैंने येलो लीफ लगा के येलो कलर वाला कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा इसको लगा दिया है। तो ये लीजिए हमारा दूसरा पॉट भी हो गया है रेडी, बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गया है वेस्ट से कंटेनर से एक ब्रांड न्यू कंटेनर में। चलते हैं नेक्स्ट कंटेनर की तरफ। तो इसमें हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल सा क्यूट सा इमोजी, और ये तो सबसे ही इजी है। इसे अगर आप परमानेंट मार्कर से बनाते हैं तो फिर तो कुछ मेहनत लगेगी ही नहीं। आंखें बनानी है, आईब्रोज बनानी है, नोज और इसका माउथ, और हो गया आपका इमोजी वाला प्लांटर रेडी। ये देखिए येलो के साथ ब्लैक लग भी बहुत ब्यूटीफुल रहा है। आगे आपकी मर्जी है, आपको कैसा भी कलर यूज कर सकते हैं। ये लीजिए सबसे जल्दी यही वाला प्लांटर रेडी हुआ है और लग भी काफ़ी अच्छा रहा है। तो चलिए थोड़ा सा और रहता है, इसको भी कर लेते हैं हम। स्माइली इसका फेस बना दिया है और हमें इसकी बनानी है टंग। ये लीजिए क्यों ही फेंकना ऐसे छोटे छोटे प्लांटर्स को, बस उन्हें आप यूज़ कर सकते हैं अपने गार्डन में या फिर आप इंडोर में भी इन्हें रख सकते हैं इंडोर प्लांट्स लगा के। अगर आपके पास ऐसे कंटेनर नहीं है तो आप प्लास्टिक की बॉटल्स को भी कट करके और ऐसे डिज़ाइंस बना के उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स सामान हमारे पास बहुत ज़्यादा है जिसे हम यूज़ करके अपने गार्डन में यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल भी बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने गार्डन को आप फ्री में ही सुंदर बना सकते हैं। तो देखिए लास्ट वाला कंटेनर था, इसके बाद सारे ही हो गए हैं रेडी। और ये देखिए
कितने ब्यूटीफुल ये लग रहे हैं और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा है और पेंट के अलावा इसमें हमारा कोई खर्चा भी नहीं हुआ है, बिल्कुल बजट के अंदर है, बहुत जल्दी बनने वाला है और गार्डन को देगा एकदम 100% ब्यूटीफुल लुक। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये दोनों तरफ से है, इसको आप कभी इस तरफ से कभी उस तरफ से डेकोरेट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इनमें कौन से प्लांट मैं लगाने वाली हूँ। ये लीजिए मैंने इनमें लगा दी हैं प्लांट्स भी, चलिए प्लांट्स भी देख लेते हैं। अगर आप बाहर रखते हैं आउटडोर में तो फिर आप कोई भी प्लांट लगा सकते हैं, अगर इंडोर में लगाते हैं तो मनी प्लांट लगा सकते हैं, स्पाइडर प्लांट लगा सकते हैं, जेड प्लांट लगा सकते हैं कुछ टाइम के लिए, सिंगोनियम और स्नेक प्लांट तो हैं ही, तो ये वाले प्लांट मैंने इनमें लगा दिए हैं। अब ये प्लांटर्स रेडी हैं आपके घर की शोभा बढ़ाने के लिए। अगर फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और आप आगे भी मेरे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लें प्रेस, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।